नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो आलमिक समय। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही खास जानकारी बताने वाले हूँ, इतना ही जितना आप देख पा रहे हो। बस खा लो, आप कमाल कर जाओगे, आप उछल उछल कर दिखाओगे, सच बता रहा हूँ। तो दोस्तों कब खानी है, कैसे खानी है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पौधे से परिचित कराता हूँ। दोस्तों यह पौधा मामूली नहीं है, यह धरती का एक प्रकार से अमृत पौधा है। यह ऐसी प्राकृतिक वनस्पति है जिसके अंदर वो सारे तत्व, वो सारे गुण मौजूद हैं जो अन्य किसी और वनस्पति में शायद नहीं है। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके। तो चलिए मैं आप लोग को बारी बारी से बताता हूँ इसके औषधीय गुण। सर से लेके पांव तक यह औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। इस पौधे को मेरे ख्याल से बहुत से लोग देखे होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे। बरसात के मौसम में यह आसानी से कहीं भी उग जाता है और इसका जो फल अभी आप दूजे देख पा रहे हो इस तरह से दिखाई देता है। इसके फलियों के अंदर जो एक और फल निकलता है, इसके अंदर के बीज का फल जो असलियत में वही फल होता है, बेर की भांति निकलता है, छोटी बेर की भांति। कहीं कहीं लोग इसे मकोई भी कहते हैं और रस भरी भी कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के देहात क्षेत्र में इसे चिरपोटी के पौधे के नाम से जानते हैं। आपके क्षेत्र में किसी अलग और अन्य नाम से अगर जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल इसे हिंदी में रसभरी कहा जाता है, आप रसभरी के पौधे के नाम से जान सकते हो। तो चलिए आज मैं आप लोग को इस रसभरी की जितनी भी खास जानकारी है उन सभी को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जिनको शुगर डायबिटीज रहती है, जिनके खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ी होती है, उनको इस फल को, इस पौधे के जो फल देख रहे हैं, इस फल को निश्चित रूप से खाना चाहिए। क्योंकि इसके फल को खाने से खून में मिली हुई शक्कर की मात्रा यानी शुगर की मात्रा सामान्य हो जाती है और उसके जो दुष्प्रभाव हैं वह कंट्रोल हो जाते हैं और व्यक्ति सामान्य जीवन जीने लगता है। अगर किसी को इसके अलावा पाचन से संबंधित कोई समस्या है, जैसे खट्टी डकारे आना, गैस बनना, पेट फूलना, जी मिचलाना, अपच, गैस, बदहजमी, ऐसी तमाम तरह की जो पाचन अंग की प्रॉब्लम है, उन सभी समस्या को जड़ से खत्म कर देता है यह रसभरी का फल, पत्ता और इसका पूरा पंचांग। तो पाचन क्रिया के लिए आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी आपको इसका फल पका हुआ मिल जाए तो आप तुरंत तोड़ करके इसे खा लीजिए। एक तो ये हो गया पाचन क्रिया को सुधारने का तरीका। और अगर फल नहीं है, पत्ते हैं, तो पत्ते का रस निकाल करके सुबह शाम आप पिया कीजिए, लगातार कंटिन्यू 2 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों का रस पीजिए हर दिन। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अमाशय की समस्या होगी ही नहीं, पेट खराब होगा ही नहीं, भयंकर से भयंकर पुराना से पुराना कब्ज की तोड़ हो जाती है इसके पत्तों का रस पीने से। दोस्तों इस रस भरी के पौधे के पत्ते को यदि कूट पीस करके चटनी बना करके सफ़ेद दाग में लगाने से सफ़ेद दाग का भी सफाया हो जाता है। अगर किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, फोड़ा फुंसी हो, अपरस हो, जो भी चर्म रोग, उसमें भी लेप करने से वह चर्म रोग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर सफ़ेद दाग में लगाते हो तो सफ़ेद दाग के लिए याद रखिए इसके पत्तों को कूट पीस करके पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके सबको पेस्ट बना करके सफ़ेद दाग में लगाइए। निश्चित रूप से एक सप्ताह में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सफ़ेद दाग का सफाया हो जाएगा, जिसे कोढ़ या कुष्ठ बोला जाता है। अब मैं आपको इसके पत्ते का और ज़बरदस्त फ़ायदा बता रहा हूँ। इसके पत्ते को कहीं भी अगर जलन हो रहा हो ना तो तुरंत लगा दीजिए, हाथों में पकड़ करके, मसल करके या फिर कूट पीस करके, जैसे भी चाहे तुरंत लगा के देखना, आपका जलन शांत हो जाएगा। अगर शरीर में कहीं सूजन तो लेप करने से सूजन भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर माथे पे यानी सर में दर्द है तो माथे पे भी लेप कर सकते हैं, इससे भी सर दर्द की समस्या दूर होती है। यह बहुत ही अच्छी औषधि है दोस्तों। मान के चलो यह रसभरी का पौधा एक नहीं सैकड़ों बीमारियों की औषधि है। अगर किसी को गठिया साइटिका की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती तो है, सच बता रहा हूँ आप इसके फलों को प्रतिदिन खाया कीजिए खाली पेट, और ऊपर से इसके पत्ते, जड़, तना सभी को मिला करके काढ़ा बना करके उस काढ़े को सुबह शाम पिया कीजिए। और जहाँ दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द, वहाँ पे इसके पूरे पंचांग को कूट पीस करके हल्का गुनगुना गरम करके लेप कर दीजिए। तो जैसे ही लेप करेंगे
वहाँ का दर्द तुरंत ख़त्म हो जाएगा, आप अजमा के देख सकते हो। बशर्ते आपको प्रतिदिन इसके काढ़े का सेवन करते रहना है और इसके फलों का सेवन करते रहना है। निश्चित रूप से आपकी गठिया साइटिका जोड़ों की दर्द की समस्या है वह खत्म होती रहेगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी जड़ सहित। अब इसके अलावा जिसको मूत्र की परेशानी है, पेशाब में जलन है, पथरी की समस्या है, वह भी इसके पत्तों का रस या फिर इसके पूरे पंचांग का काढ़ा बना करके पी सकता है। सुबह शाम आधे कप की मात्रा में उसकी पथरी की समस्या भी शांत हो जाएगी, शरीर में किडनी स्टोन खत्म हो जाएगा। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये रसभरी का जो फल आप देख रहे हो, इस फल में नींबू से भी अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और गाजर से भी अधिक विटामिन ए पाया जाता है और दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो यह एक ऐसा फल है जिसमें न जाने कितने फलों से अधिक गुण इसमें पाया जाता है। ये छोटा सा मामूली सा दिखने वाला रसभरी का जो फल है, इस फल की बात कर रहा हूँ, यह फल आपने खा लिया तो समझो अमृत खा लिया। इसलिए कभी भी आपको दिखे तो तुरंत इसको अपने घर में ला के लगा के रख लीजिए, यह आपकी बहुत सारी समस्या को दूर कर सकता है। इस फल में ऐसे ऐसे प्राकृतिक तत्व तो मौजूद होते हैं, अगर किसी को कैंसर भी हो जाता है तो उसे भी लगातार दिया जाता है इसके फलों को, या फिर इसके फलों को सुखा करके पाउडर किया हुआ पाउडर ही दिया जाता है तो उस पाउडर से भी कैंसर जैसे भयानक रोग भी कंट्रोल हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है अगर कंटिन्यू इसका पाउडर या फल खिलाया जाए तो। इसके फल को खाते रहने से जो खून न बनने की समस्या रहती है वह भी दूर हो जाती है, लीवर हमारा पूरी तरह से साफ हो जाता है और खून तेज़ी से बनने लगता है, जो है पतला होकर के पूरे शरीर में तेज़ी से दौड़ने लगता है। अगर कहीं ब्लॉकेज है तो इसके काढ़ा पीते रहने से ब्लॉकेज की समस्या भी खत्म हो जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि यह पौधा और इसका फल इतना पावरफुल मल्टीविटामिन से भरा हुआ है कि इसे मामूली खरपतवार ना समझ के अगर आप औषधि के रूप में उपयोग करते हो तो सच में आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा सकता है, यानी बीमारियों से ग्रसित जिंदगी बचा सकता है और फिर से नया जीवन दे सकता है, क्योंकि यह हार्ट, किडनी, लीवर, फेफड़ा, ब्रेन हर किसी के लिए फायदेमंद है और कोई भी इसे खा सकता है। इसे खाने से खट्टा मीठा स्वाद लगता है, इसके फल को खाने से हम लोगों ने बचपन में बहुत खाए हैं और आज भी खाते हैं, लेकिन आज कल उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता है, कभी कभी कहीं कहीं दिख जाता है। तो इस औषधि को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर आंगन में उगाने की कोशिश करें और इसकी भरपूर देखभाल करके औषधि प्रयोग करें। तो आने वाले और वीडियो में इसकी और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी बताने की कोशिश करूँगा, फिलहाल इस वीडियो में ज़्यादा अधिक लंबा होने के कारण इतना ही। मिलता हूँ किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।